हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेबल ब्रेड पॉकेट्स बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी है। देखिए कितने क्रंची लग रहे हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, तो इसे किस तरह से बनाते हैं मैं बता रही हूँ। ये सब्जियाँ ली है मैंने, कैप्सिकम, ओनियन और एक बॉइल्ड आलू है, नमक मिर्च है और गाजर है ग्रेट करी हुई और हरा धनिया है, तो इन सबको मिला के मिक्सिंग बाउल में मिलाएंगे। और ये हर्ब्स है, आप देख सकते हैं इटालियन हर्ब्स है ये, ओरिगेनो, तो ये नहीं हो तो आप कसूरी मेथी यूज़ में ले सकते हैं। और ये टमाटो सॉस है मेरे पास, तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं मिक्सिंग बाउल है इसके अंदर ये टमाटो सॉस डाल दिया मैंने, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा से फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और ये एक आलू है, एक आलू बॉइल्ड है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है बारीक बारीक। और इसके अंदर मैं ये प्याज की कटिंग है, बारीक बारीक कटिंग है, चॉप कर लिए थे मैंने, एक बड़ा प्याज डाल दिया है मैंने। और ये शिमला मिर्च है, आधी शिमला मिर्च है, इसे भी चॉप कर लिया बारीक बारीक। और ये गाजर है, इसे ग्रेट कर लिया मैंने। और इसके अंदर हरा धनिया है, इसको भी हम बारीक कटिंग कर लिया हमने। और ये इटालियन हर्ब्स है, ओरिगेनो हर्ब्स, ये भी डाल दिए। तो इन सबको अभी मिक्स करेंगे, लेकिन पहले हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और इन सबको अभी मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में। ब्लैक पेपर है, ये भी डाल रही हूँ, काली मिर्च पिसी हुई है इसके अंदर। और ये चाट मसाला है, ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इन सबको मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि इसकी स्टफिंग करेंगे ब्रेड के अंदर, ब्रेड पॉकेट्स में हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो ये मसाला बन गया है, स्टफिंग बन गई है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से बाइंड हो जाना चाहिए ताकि वो अंदर से ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से चिपक जाए, स्टफ हो जाए। ये मैदा है मेरे पास 2 चम्मच, इसकी स्लरी बनाएंगे, तो थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें गठाने नहीं पड़े, और इस तरह से घोल बनाएंगे। और ये 6 ब्रेड लिए मैंने, और ब्रेड के कॉर्नर्स इस तरह से काट देंगे, तो सभी ब्रेड के कॉर्नर्स काट देंगे। और इस तरह से एक एक ब्रेड लेके इस तरह से बेलेंगे, तो फ्रेश ब्रेड तो जल्दी से बेल जाती है, थोड़ी सी पुरानी अगर हो तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर पानी हल्का सा लगा सकते हैं, 4-5 बूंदें इस तरह से फैला लें। और अगर हाथ से नहीं लगा सकते हैं तो एक मलमल का कपड़ा मैंने गीला करके ले लिया है, आप देख सकते हैं, और इससे थोड़ा सा ब्रेड गीली हो गई है दोनों तरफ, हल्की सी गीली हो गई है। और इस तरह से हम हल्की सी गीली करके इसको बेल लेंगे, तो ये बेल जाएगी और टूटेगी भी नहीं। तो ये ट्रिक बताई है मैंने। अभी हम स्टफिंग डालेंगे बीच में,
स्टफ करके, और बच्चों को हरी मिर्च आप नहीं देंगे अगर नहीं लेना चाहते हैं वो, और बड़े हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे। मैंने पहले नहीं डाली थी तो अभी मैं मिक्स कर लूँगी इसको, और दो तीन हरी मिर्च इसके अंदर भी डाल दी स्टफिंग में, क्योंकि पहले नहीं डाली थी मैं, भूल गई थी। और ये जो मैदे का घोल बनाया है ये किनारे किनारे पे इस तरह से लगा लेंगे तो ये ब्रेड के पॉकेट्स अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, खुलेंगे नहीं। और अगर आप पानी लगाएंगे तो खुलने का वो रहता है, इसलिए मैदे की स्लरी बना के इस तरह से इसको चिपका दीजिए किनारों को, और थोड़ा सा हम ऐसे हाथ से प्रेस कर लेंगे, किनारे किनारे को हाथ से प्रेस कर लेंगे तो खुलेंगे भी नहीं। फिर थोड़ी सी एक मिनट बाद फिर प्रेस कर लेंगे। और ये दूसरी ब्रेड भी बता रही हूँ मैं, इसको इस तरह से गीले कपड़े पे अंदर रख के, दोनों तरफ से गीला कपड़ा रखा हुआ है तो थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई है, और इस तरह से बेल लेंगे। ये मलमल का कपड़ा है, इसे मैंने गीला कर दिया था हल्का सा, तो इस तरह भी आप बेल के बना सकते हैं। और इसे भी स्टफ़ कर लेंगे, और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि ये ब्रेड के पॉकेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और नाश्ते में आप कभी भी बना सकते हैं। फिर इसमें मैदे का घोल लगाएंगे, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ब्रश से लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे चिपका दीजिए लगाने के बाद में, अगर कहीं से खुला दिखता है तो थोड़ी सी मैदे की स्लरी लगा दीजिए हल्की सी, तो वो बंद हो जाएंगे। ये शैलो फ्राई करेंगे हम, डीप फ्राई नहीं करेंगे। शैलो फ्राई में थोड़ा सा ही तेल डाला है मैंने, और मीडियम टू हाई रखी है, पहले हाई गैस पे गरम कर लिया था, फिर मीडियम कर दी गैस, और ये ब्रेड के पॉकेट्स इस तरह से डाल दिए, और ये लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको टर्न कर देंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, और बच्चों बड़ों सबको ये पसंद आएगी। आप कभी भी टी टाइम स्नैक की तरह ले सकते हैं इसे, चाहे मॉर्निंग में लें, चाहे कभी भी लें, इवनिंग में भी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये ब्रेड पॉकेट्स, और बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे अगर आप अच्छी तरह से स्टफिंग करके इसको चिपका देंगे तो। अभी मीडियम गैस है, मीडियम गैस पे ही हम दोनों तरफ से सेकेंगे, दो मिनट में करीब सिक जाते हैं। ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी है बिल्कुल भी, और लो भी नहीं करनी है, अगर आप लो करोगे तो सारा तेल पी जाएंगे ये पॉकेट्स, और हाई में जल जाएंगे, तो मीडियम गैस ही रखनी है। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसे आप किसी भी चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, या टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए स्टफिंग मैं कट करके बताया मैंने आपको, कितनी अच्छी लग रही है स्टफिंग, और इसे आप चटनी के साथ भी बहुत मस्त लगते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।